और सुना सब बढ़िया? नहीं बढ़िया है तुम्हारा? मेरा बढ़िया ही नहीं है। पूरी बॉडी टूटी हुई है यार, नहीं हो पा रही। नहीं हो पाएगा यार, सारा डेली बोलते हो नहीं हो पाएगा, फिर भी कर देता हूँ। पता नहीं कैसे कर रहा यार, दो वीडियो एक लाइव स्ट्रीम इम्पॉसिबल है यार, एक खुद से करना मतलब मुझे अलग नहीं रहा। लाइव स्ट्रीम भी कर पाऊंगा मैं या सेकंड चैनल पर कल वीडियो आ पाएगी? दुख काय खत्म नहीं हो रहा भाई। बट ऐसा नहीं कि मतलब दुख होता है किसी भी चीज़ का ज़्यादातर, ये तो बस ये है कि मैं थका हुआ, बॉडी थकी हुई है। मतलब लाइव स्ट्रीम में जो एनर्जी रहती है वो अभी मेरी अवेलेबल है। मतलब अगर मैं लाइफ की सोच भी नहीं रहा, क्योंकि अगर लाइफ में मैं शांत पड़ा रहूँगा बस और कुछ नहीं। बट बंदा कमाल को, क्योंकि मेरे को मालूम है दुनिया में कितना गम है, मेरा गम सबसे गम है। मतलब देखो ना, शुक्रा इंसान की मम्मी का भी एक व्लॉग चैनल है जिसके बारे में मुझे नहीं मालूम था, बट वो व्लॉग करती है और उन्होंने एक वीडियो डाला और गलती से वो डिलीट कर दिया जिसके लिए वो रो गई। आई एम सीरियसली मैन, इतना हार्ट टचिंग था ना वो मेरे लिए, क्योंकि मतलब ऑफकोर्स बहुत कम लोग इस उतनी एज में या फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ ये सब अप्रोच करते हैं या ट्राई करते हैं, और इतना पैशन होना किसी चीज़ के लिए, मतलब यूट्यूब वीडियो के लिए, मेरा दिल छू गया। मैं जेन्युइनली वो क्लिप दिखाना चाहता हूँ। मम्मी का व्लॉग नंबर 3 पे चल रहा था रैंकिंग में और मम्मी बहुत खुश थी। मैं ठीक है, बहुत अच्छी बात है, मम्मी ने व्लॉग अपलोड करा और मम्मी ने गलती से व्लॉग डिलीट कर दिया। आपको ये बता दो कि ये भोले बच्चे ने व्लॉग डिलीट क्यों करा? ये बता दो एक बार मेरे को, मम्मी ये व्लॉग डिलीट क्यों हुआ? वाईफाई नहीं आ रहा था, वो पता नहीं रिफ्रेश के चक्कर में हो गया, दो वीडियो दिखा रहा था तो डिलीट कर दिया। एक पे व्यूज थे, दूसरे पे व्यूज नहीं थे, जिस पे व्यूज नहीं थे वो मैंने डिलीट कर दी। अच्छा, बेसिकली मम्मी का एक अनलिस्टेड लिंक पड़ी थी, उनको ऐसे दो वीडियो शो कर रही थी तो वो वाली डिलीट कर रही थी। ग्रैंड सैल्यूट, वेरीफाइड कूल मॉम, और रिस्पेक्ट, लॉट ऑफ रिस्पेक्ट। मेरे को बहुत रेयरली ऐसे क्रिएटर्स दिखते हैं जो पैशनेट हैं उन चीज़ों को लेके, मतलब अपने काम को लेके, और बहुत सेलेक्टेड ग्रुप है वैसा, क्योंकि मुझे दिख जाता है बंदे की डेडिकेशन से। और ये तो मतलब आई मीन सीरियसली बहुत कूल, ज़्यादा से ज़रूरत से ज़्यादा कूल, इससे ज़्यादा कूल मैंने ज़िंदगी में आज तक कुछ नहीं देखा। बट फकरा इंसान तुमने देखे वीडियो में, उनसे भी रिलेटेड न्यूज़ है, क्योंकि कुछ दिन पहले सारे लोग बात कर रहे थे कि जोगिंदर ने फकरा इंसान के गाने की स्टोरी डाली थी, बट फकरा इंसान ने इग्नोर कर दिया। मेरे को याद नहीं मैंने कवर की थी कि नहीं करी थी, बट अभी फकरा इंसान ने उस चीज़ को भी एड्रेस करते हुए बोला कि यार वो मिस हो गया था, और मुझे एक्चुअली लगा था कि यही केस होगा, क्योंकि मेरे साथ भी यही चीज़ होता है। लोग मेरे को इंस्टाग्राम पे टैग करते हैं और मेरे को नोटिफिकेशन ही नहीं आता, और फिर डीएम में जाके देखो तो दिखता है। तो उसी के बारे में एड्रेस करते हुए उसने बताया कि हाँ मेरी बात हो गई है और ऐसा कुछ नहीं, भाई भाई वाली बात है जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था। आई मीन जीन्स में ही है यार फकरा इंसान, ट्रिगर्ड इंसान। यार मेरे को फकरा इंसान नहीं बोलना चाहिए ना, मुझे नाम पता करने लेना चाहिए। अभिषेक ही तो नाम है उसका, अभी अपना नाम बोलने में वियर्ड लगता मुझे। मेरे को बहुत पॉजिटिव वाइब आती है पूरी फैमिली से, निश्चय तो आम आम ट्रू सोल। बट ट्रू सोल की बात करें तो बात करेंगे ये प्रोजेक्ट तकोली की। हाँ, यू लव हर, यू हेट हर, बट यू कांट इग्नोर। और मैं कितने भी मजे ले लूँ उनसे, बट एक टाइम पे मेरे लिए भी इंस्पिरेशन रही हैं। और अभी उसी चीज़ को अप्रिशिएट किया वुमेंस डे के दिन दिल्ली गवर्नमेंट ने, दिल्ली कमीशन की तरफ से वुमेन सब एम्पावरमेंट के लिए उनको अवार्ड दिया गया, जिसके लिए खुद जो धरना देने बैठते हैं दिल्ली में अरविंद केजरीवाल सिंह चीफ मिनिस्टर, वो अवेलेबल हुए उनको अवार्ड देने के लिए, जो मेरे को लगता है एक प्राउड मोमेंट है एज एन वुमन, एज एन क्रिएटर, एज एन बिजनेस वुमन। आई मीन सीरियसली जो अचीव किया ना, मेरे को लगता है ओजी क्रिएटर होने के बाद यहाँ तक सर्वाइव करना बहुत बड़ी डील है, स्पेशली इंडिया में जहाँ पे एकदम से बूम आया है रिलायंस के बाद और लाखों क्रिएटर पैदा हो गए हैं। प्राउड होने वाली बात है, केजरीवाल के लिए भी प्राउड होने वाली बात है। पंजाब में जीत गए, अबे आज लगता है आज बैंक मारने पड़ेंगे भगवत मान के साथ। चीयर्स दादा, चीयर्स बाजी। अबे सीरियसली मैन, मुझे लगा नहीं था, जेन्युइनली लगा नहीं था कि पंजाब में जीत सकते हैं हम लोग। यूपी में भी नहीं लगा था कि एक भी सीट मिलेगी, बट यूपी एक्चुअली सरप्राइजिंग है यार कि योगी जी वापस आ गए। एक्चुअली नहीं है सरप्राइजिंग, क्योंकि मोदी जी खुद आके अवेलेबल हो रहे हैं वहाँ पे, वोट कर रहे हैं। ठीक है, अगर यूपी की जनता को चाहती है तो फिर हम लोग कौन है बोलने वाले? आम आदमी पार्टी को तुम मजाक उड़ा सकते हो ऑफकोर्स, बट डिनाई नहीं कर सकते कि वो तीसरी नेशनल पार्टी बनने वाली है, सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग नेशनल पार्टी हो सकती है वो फ्यूचर में। सो वो एक सरप्राइजिंग तो नहीं बट अमेजिंग फैक्ट होगा फ्यूचर में। हाँ, बेसिकली अगर तुम स्कूल में हो ना तुम खुशी मनाओ क्योंकि तुम्हारे बच्चे ये सब पढ़ रहे होंगे हिस्ट्री बुक्स में, और फास्टेस्ट ग्रोइंग पॉलिटिकल पार्टी। यार भाई बट आजकल दुनिया में कोई कुछ भी अचीव होता है ना, मेरे को दिल टूट जाता है भाई साहब, गुस्सा चढ़ जाता है, क्यों कर रहे हो, क्यों कोर्स बढ़ा रहे हो हमारा।
अभी साला वो वेब टेलीस्कोप डाल दिया, वो भी साइंस में पढ़ा देंगे। देखो ये भी है, अब क्यों है जानना, बस तू मना काम करना। बच्चों क्या बात करनी है, न्यूज़ बॉय के बारे में बात करेंगे। न्यूज़ बॉय एक्चुअली न्यूज़ बॉय आई एम सो प्राउड ऑफ हिम यार, आई लव हिम। 3 साल पूरे हो गए, सो कांग्रेचुलेशन। और 3 साल में क्या अचीव किया, आई एम सीरियसली सो प्राउड ऑफ हिम, सो प्राउड ऑफ हिम। और फाइनली न्यूज़ बॉय वापस अपने घर चला गया, उसकी सर्जरी सक्सेसफुल हुई है। इवन उनके डॉक्टर ने, मतलब न्यूज़ बॉय के डॉक्टर ने एक वीडियो पोस्ट कर दिया उनकी पूरी जर्नी के लिए, मतलब न्यूज़ बॉय की पूरी जर्नी की। जो हाँ मैं क्या बोलूँ, मैं आई जस्ट लव यू मैम, आई लव यू 3000। और कौन सी न्यूज़ चलानी थी न्यूज़ बॉय? आशीष चंचलानी, आशीष चंचलानी ने कैरी मिनाटी, कैरी मिनाटी ने 35 मिलियन व्यूज सब्सक्राइबर गेन कर लिया और एशिया के नंबर 1 यूट्यूबर बन चुके हैं। इसी चीज़ पर रिएक्ट किया कैरी ने, जहाँ पे उसका वर्जन यूट्यूबर विद 35 मिलियन सब्सक्राइबर। आई मीन सीरियसली, किसको पोक कर रहे हैं, मेरे को? मैंने एक बहुत पुराना गाना लिखा था मैंने, कैरी मिनाटी वर्जन मर जाएगा, बीवी की बस जीक हो जाएगा। जोक था वो, ऑफकोर्स पूरा गाना ही जोक था। और आई लव हिम, आई जेन्युइनली डू। और इसी पे आशीष ने भी रिएक्ट किया था, क्या बोला था मुझे याद नहीं, तो मैं बात भी नहीं करूँगा, बस फोटो दिखा दूंगा तो मैं। बट आशीष चंचलानी से ये रिलेटेड न्यूज़ नहीं, एक और न्यूज़ चलाने के लिए है मेरे पास। अभी ये गूगल कौन से, गूगल से था यूट्यूब से था न्यूज़ है, जहाँ पे आशीष चंचलानी ने एक इंस्टाग्राम स्टोरी शेयर करी थी, टॉप मोस्ट 20 सर्च टॉपिक ऑन यूट्यूब इंडिया, जहाँ पे उनका नाम सेकंड नंबर पे था, जो एक्चुअली सरप्राइजिंग है। आई मीन सीरियसली प्राउड मोमेंट है ऑफकोर्स, बट सरप्राइजिंग है, क्योंकि इन्होंने पंजाबी सॉन्ग से आगे हैं यार ये, मतलब समझ रहे तुम, लोग पंजाबी सॉन्ग उतना सर्च नहीं कर रहे जितना आशीष चंचलानी कर रहे हैं। आई मीन ये इसके लिए तो मैं बहुत रिस्पेक्ट 3000। बट आशीष भैया की ये न्यूज़ एक्चुअली मेरे को लगता है पूरे ग्रुप के लिए प्राउड मोमेंट है, क्योंकि सब इंडिविजुअली काम करते हैं, फिर ग्रुप में काम करते हैं, और एक इतने बड़े ग्रुप को एक साथ लेके चलना इतने सालों तक, ये काबिल तारीफ है। आई मीन सीरियसली, अब मैं सबकी तारीफ कर रहा हूँ, मुझे लग रहा है मैं सिंप बन गया साला, कसम खाया था मैंने, गाली देनी है मेरे को सबको, सबको ताने मारने, फिर भी तारीफ के जा रहा हूँ। मैं सब इतना अच्छा कर रहा है अपने करियर में, क्या करूँ मैं। अभी एक पॉडकास्ट था, इस पे बहस कर सकते हैं हम लोग। एक पॉडकास्ट आया था मिथ पैट का किसी गेमर यूट्यूबर के साथ, जो फ्री फायर कम्युनिटी से बिलोंग करता है। तो मिथ पैट ने उससे पूछा कि फ्री फायर में ये दोस्ती यारा है जैसा बाकी यूट्यूबर्स के बीच में होता है कैटेगरी वाइज, कि हाँ सब एक साथ मिलजुल के रहते हैं। मतलब ना आपका ये जो पूरा फ्री फायर का कम्युनिटी है वो कैसे है, मतलब यूनाइटेड है सब लोग? नहीं नहीं है ये, थोड़ा दो ना, थोड़ा सा क्या बोलते हैं इसको, गॉसिप दो ना मुझे कुछ। एक्चुअली बात ये ना कि लाइक यूट्यूब में लोगों को लगता है, सच बोल रहा हूँ ठीक है, सिर्फ फ्री फायर नहीं, एंटायर यूट्यूब में ऐसा लगता है कि सभी यूट्यूबर मिलजुल के एकदम बढ़िया तरीके से रह रहे हैं, बट नहीं होता वो, नहीं होता वो सच है। तो यही चीज हर जगह अप्लाई होता है, सिर्फ फ्री फायर में नहीं, एंटायर यूट्यूब में शायद से ऐसा लगता है अब। नहीं नहीं मैं अग्री करता हूं इस चीज, मैं डिसएग्री करता हूं। जस्ट बिकॉज हम किसी के ओपिनियन से डिसएग्री करते हैं, चाहे वो एक कैटेगरी का है या दूसरी कैटेगरी का है, इसका मतलब ये नहीं हम लोग एक दूसरे से नफरत करते हैं। ऑफकोर्स यहाँ पे क्लिक बेट होती है और ड्रामा शुरू हो जाता है, हम एक दूसरे के ऊपर उल्टा सीधा बोलते रहते हैं, बट रियलिटी वैसी नहीं है। रियलिटी स्ट्रेंजर देन फिक्शन होती है, क्योंकि नो मैटर मैं मेरी यूट्यूब पर कितने लोगों से नहीं बनती या कितने लोगों से बनती है, क्योंकि मैं किसी से कनेक्ट रहता नहीं हूँ। तो अगर किसी को भी मेरी ज़रूरत पड़ेगी एज एन कम्युनिटी वाइज, तो मैं अपने गिले शिकवे लेके नहीं बैठा रहूँगा, मैं जाऊँगा सपोर्ट करने। और मेरे को लगता है हर इंसान के अंदर वो चीज़ होती है, तो चाहे वो यूट्यूबर है, क्रिएटर है, स्ट्रीमर है, सबके अंदर वो चीज़ है, बस डिपेंड करता है सिचुएशन कैसी है। सो अगर तुम किसी को जेलस, किसी से जेलसी लेके बैठे हो तो अलग चीज़ है, बट मैं एग्री नहीं कर सकता। मे बी तुम लोग मेरे से ज़्यादा लोगों को जानते हो इसलिए, बट अगेन बाउंड्रीज होनी ज़रूरी होती है सबके बीच में, और शायद यही रीज़न होगा कि तुम ज़रूरत से ज़्यादा एक दूसरे पे रिलाई कर रहे हो और एक्सपेक्ट कर रहे हो, और तुम्हें मालूम है एक्सपेक्टेशन लीड्स टू डिसअपॉइंटमेंट। क्योंकि मुझे मालूम है जब चैनल हैक हुआ था तब पूरी कम्युनिटी मेरे साथ थी, और इवन जब भी मुझे कोई हेल्प चाहिए होती है, भले ही मैं सालों से किसी के बात ना करूं, बट मैं एक मैसेज डालता हूं, वो अवेलेबल रहते हैं। और बड़े से बड़े क्रिएटर और छोटे से छोटे क्रिएटर की बात कर रहा हूं मैं, तो ये एक म्यूचुअल रिस्पेक्ट है मेरे पास सबके लिए, और शायद वो भी रखते हैं, सो वो बहुत बड़ी बात है। साला ये भी ताने मारना नहीं हुआ ना, ये तो समझा नहीं पा गया, ये हरामी हूं मैं, हरामी देख रहे हो, पूरी बॉडी टूटी हुई है, नौटंकी बंद नहीं होती, सही है सही है। 8 मिनट हो गए, जाऊँ मैं अबे दूसरी वीडियो भी शूट करनी है, जिंदगी बर्बाद हो गया मेरा। चलो इसी नोट पे खत्म कर रहे हैं, आई होप तुम लोगों ने एंजॉय किया हो, अरे एंजॉय किया हो तो लाइक कर देना, नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना भाई, मैं सच बता रहा हूँ बिल्कुल एनर्जी नहीं बची। ये दस दिन में मैंने कितनी 20 वीडियो डाली और 10 लाइव स्ट्रीम करी, आई मीन सीरियसली एक पूरा महीने का काम मैंने 10 दिन में किया हुआ है। और पता क्या, अभी क्योंकि मैं डिटॉक्स से जा रहा हूँ ना, तो मेरे को नींद भी नहीं आती, और जैसे जितना मैं सोवर होता जा रहा हूँ उतना ज़्यादा मुश्किल हो रहा है कि कम स्लीप के साथ ज़्यादा काम करना। अभी भी नींद में हूँ मैं जेन्युइनली। बट अगर पसंद आया तो लाइक कर देना, बाकी मैं मिलता हूँ तुमसे कल।
अब पता नहीं मैं आऊंगा नहीं आऊंगा लाइफ पे, देखता हूँ, ट्राई तो करूंगा। चलो बाय, पीस।